लेकिन जो आउट ऑफ स्टेट है डीलर या कोई भी जिमीदार है तो हमें कांटेक्ट कर ले, उनको आने की जरूरत नहीं है। वो अपनी डिमांड बताए कि हमको इस गाड़ी का चाहिए तो उनको मिलेगा। बहुत ही अच्छे वैल्यूएबल कस्टमर्स हैं, जैसे कि दशमेश ग्रुप मलेरकोटला, केस ग्रुप मलेरकोटला, करतार कंबाइन भादसों, लैंड फोर्स अमरगढ़, पुन्नी कंबाइन टोहाना, स्टैंडर्ड कंबाइन बरनाला में, और भी ऐसे बहुत कस्टमर्स हैं जिनसे हमारी बहुत ही अच्छी डीलिंग है। दोस्तों, मैं हूं अमृत दीमान और आज मैं पहुंचा हूं मुंडे ग्रुप पंजाब में। और दोस्तों, हमारे साथ सर हैं जो हमें जानकारी देंगे। नमस्कार सर। नमस्कार। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम है खुशमिंदर सिंह और मैं आपको जानकारी दूंगा कि जो जो प्रोडक्ट हमारे पास बनते हैं कंबाइन के रिलेटेड या ट्रैक्टर के रिलेटेड, मैं आपको सभी उसकी जानकारी दूंगा। सबसे पहले हमारे पास गाइड्रम हमारे पास सेल्फ कंबाइन, ट्रैक कंबाइन, ट्रैक्टर कंबाइन सभी के बनते हैं। ये इसमें दो प्रकार का होता है, एक तो ये 5 स्टार होता है 5 पहलू, एक होता है 4 स्टार 4 पहलू। इसकी पत्ती हम फोल्डिंग रखते हैं, इसमें चल होती है। अगर पत्ती 2 या 3 सीजन के बाद घस जाती है तो उसको हम आगे करके इसको दोबारा भी वर्किंग में ला सकते हैं। और ये है वीट बास्केट, कनक वाली बास्केट। तो ठीक है सर। इसकी ये कटिंग है, ये सारी प्लाज्मा की कटिंग है। ये बहुत हैवी बास्केट बनाई जाती है ताकि ये बेंड ना हो, बास्केट चलते समय कोई दिक्कत ना आए। और एक ये है स्वराज की बास्केट, ओरिजिनल स्वराज बास्केट बनाई जाती है, हमारे अंदर मैन्युफैक्चर होती है ये। और न्यू हॉलैंड की भी बास्केट हमारे पास बन रही है, वो भी चल रहा है काम। ये बास्केट है मक्के वाली, इसमें मोटी तार रहती है, 65 तार रहती हैं इसमें। इसमें 5 mm की वायर होती है, ये मक्का निकालने के लिए यूज आती है। ठीक है सर। ये हमारा कनक वाला थ्रेशर 51 इंची, इसमें आप कोई भी ले सकते हो, थ्रेशर सेम होता है, बस उसकी लेंथ कम ज्यादा हो जाती है। जैसे 51 इंची, 41 इंची, 46, जो भी आपको चाहिए वो मिलेगा। ये है बास्केट हमारी कनक वाली, ये 14 पत्ती में होती है, 70 किलो इसका वेट होता है। ठीक है सर। ये भी बहुत बढ़िया क्वालिटी में बनाई जाती है। और ये है सरसों वाला थ्रेशर, सरसों वाला थ्रेशर जो हमारा थ्रेशर है सभी से अलग है। एक तो इसकी हम ये प्लेट बिल्कुल बंद लगाते हैं और सेंटर में भी बंद प्लेट लगती है, इसमें कोई रिंग नहीं लगता। और जो ये इसका चांद है ऊपर वाला, ये चांद चांद देख रहे हैं जो आप, ये प्लाज्मा की कटिंग का है, कोई जुगाड़बाजी नहीं की है हमने, बिल्कुल एक्यूरेसी से पूरा काम किया, डिजाइन करके उसके बाद बनाया हमने। ठीक है सर। आगे मैं आपको जानकारी देता हूँ, ये कंबाइन का एयर टैंक है। ठीक है सर। ट्रैक्टर कंबाइन, सेल्फ कंबाइन, किसी भी कंबाइन में लगा सकते हो आप। ठीक है सर। और ये हम ट्रैक्टर का बैटरी बॉक्स भी बना रहे हैं, ये नॉन स्लाइडिंग है, एक स्लाइडिंग भी होता है 4x4 में, वो भी आता है। ठीक है सर। और ये जो आप बास्केट देख रहे हो, ये बास्केट है कबोटा कंबाइन की, यानमार, नोवल, जो भी मतलब चाइना की कंबाइन आती है ये उनकी बास्केट है। उनका हम और भी स्पेयर पार्ट तैयार कर रहे हैं, अंदर अभी मैन्युफैक्चर हो रहा है, डिजाइनिंग चल रही है, सारा कुछ हो रहा है। और ये जो आप देख रहे हो, ये करतार का ट्रैक कंबाइन का है 31 इंची, ठीक है सर। जो चैन वाली है, ट्रैक वाली, स्टाव अकर वाली कंबाइन, उसका ये थ्रेशर बास्केट है। ठीक है सर। ये हमारा दशमेश का है, इसका 5 इंची सेंटर है, ये स्पाइक टू स्पाइक। ठीक है सर। ठीक है। और ये आ गया स्टैंडर्ड का, स्टैंडर्ड, सुपर स्टैंडर्ड, स्टैंडर्ड 390, 513, ये उनका सभी प्रकार का बनाया जाता है। ये जो है इसका जाल, ये सारा फोल्डिंग है, जाल निकल जाता है और ये पत्तियां भी निकलती हैं इसकी, और ये पत्ती भी अलग से खुल जाती है, पूरी वेल्डिंग नहीं होती है। ठीक है सर। और ये है करतार का ट्रैक कंबाइन का गाइड ड्रम। ठीक है सर। ठीक है। और ये केएस का है, केएस का थ्रेशर 46 का, ट्रैक्टर कंबाइन का, इसकी भी कटिंग ये प्लाज्मा की है, ये भी हैवी में बनाई जाती है पूरी। और ये है विशाल का, विशाल का ओरिजिनल थ्रेशर है ये। ठीक है सर। ये भी अंदर मैन्युफैक्चर होता है। और ये है हमारा पैडी वाला, राइस वाला, 51 इंची का सेट। और एक बात और, हमारे पास जॉनडियर का भी थ्रेशर बास्केट बनता है अंदर कंपनी में। ठीक है सर। वो भी हम कंपनी को भी दे रहे हैं, बिल्कुल डायरेक्ट दे रहे हैं हम। ठीक सर। मैं एक सवाल आपसे पूछना चाहूंगा, अगर किसी किसान ने या किसी नए डीलर ने आपका ये सामान लेना हो, क्या हम पंजाब से बाहर भी इसको दे सकते हैं? जी हाँ, हमारा मटेरियल वैसे तो नेशनल लेवल पे जा ही रहा है पूरे इंडिया में। कोई भी हमें कॉल करो, हम उसकी बिल्टी करवा देते हैं लुधियाना से, वो मतलब ट्रांसपोर्टेशन हमारी रहती है, तो हम उसको मटेरियल दे देंगे, आप चाहे 1 पीस हो चाहे 100 पीस हो, वो हम करते हैं उस चीज को, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। और सर, मैं आपके पास ये छोटा सा पार्ट देख रहा हूँ, इसके बारे में जानकारी दोगे सर?
ये एक्चुअली क्या है, ये ना जो ये वाली नाब है ये चलती है ट्रैक्टर कंबाइन में, और मैं अगर ज्यादातर बोलूँ तो ये मलेरकोटला की नाब है, KS दशमेश की। और ये नाब है ये करतार की है, करतार में लगती है। ये विशाल की नाब आ गई, ये स्टैंडर्ड की आ गई, और ये नाबा टाइप, नाबा पासो टाइप ये भी है उसमें आती है। ठीक है, ठीक है सर। और जो स्पाइक की मैन्युफैक्चरिंग है ये हमारी खुद की मैन्युफैक्चरिंग है, ये देख सकते हो आप, इसमें मंडे की मोहर लगी हुई है। ठीक है सर। इसमें डेट ऑफ मंथ और ईयर का भी मैन्युफैक्चरिंग आता है सारा। तो ये हम, और ये जो इसकी बासल है ये हम MS की बासल नहीं लगाते, स्टील की बासल लगाते हैं, ताकि हम जब नट कसें उसके बाद ये पूरा टाइट रहे, बासल इसको नट को धकेल के रखती है। ठीक है सर। अगर दोबारा इसको हम कस के खोलें तो ये बासल सीधी नहीं होती, तो ये ऐसे ही रहती है स्प्रिंग की तरह। ठीक है सर। और ये KS की भी स्पाइक है, ये भी है, हमारी भी मोहर है इसमें और KS की भी है। स्पाइक जो अपनी मुंडे वाली है हमारी खुद की मैन्युफैक्चरिंग है, और बाकी आपको विशाल की, मलकीत की, किसी भी कंपनी की आप स्पाइक ले लो आपको सारी मिलेंगी। और ये एक जो बिस्कुट होता है रीपर वाले थ्रेशर में लगता है, सरसों वाले में लगता है, ये हम खुद मैन्युफैक्चर करते हैं अंदर, ये भी आप हमसे ले सकते हैं कोई दिक्कत नहीं। और एक एलिवेटर पैड पत्ती है, ये भी हम अंदर मैन्युफैक्चर करते हैं। जो ज़्यादातर क्या होता है कि बहुत हल्का बनाया जाता है एलिवेटर पैड पत्ती, वो हल्के वाला चलता है उसमें पैडी वाले में या वीट वाले में, तो ये मक्के वाला भी हम बनाते हैं 10 गेज का जो बनता है एलिवेटर पैड पत्ती, तो उसको भी हम देते हैं, मतलब हमारे पास अंदर मैन्युफैक्चरिंग होता है। सर मैंने पहली बार मैंने इंडिया में ना कभी मैंने बहुत रिव्यू करे हैं, मैंने कभी भी इतना स्टॉक नहीं देखा जैसे मैं आपके पहली बार देख रहा हूँ आपके पास। ये भगवान की कृपा है कि वैसे हमने बहुत लो लेवल से स्टार्ट किया है, आप भाई लोगों का सभी का साथ है, तो अगर ऐसे ही और प्यार मिलता रहा तो और भी आगे जाएंगे। सर मैं एक लास्ट में एक सवाल पूछना चाहूँगा भी, अगर किसी ने भी हमारा जिस सामान पार्ट वगैरह से पार्ट का सामान है जो खरीदना हो तो कैसे ले और यहाँ पे कैसे पहुँचे, इसके बारे में पूरी जानकारी दीजिए। मैं व्हाट्सएप नंबर भी दे दूंगा आपको, मेरी लोकेशन है सारा कुछ मैं दे दूंगा, जो भाई साहब अपने आ सकते हैं जैसे हरियाणा है वो तो आ ही जाते हैं, हरियाणा वाले भी आ ही जाते हैं, लेकिन जो आउट ऑफ स्टेट हैं डीलर या कोई भी जिमीदार है तो हमें कॉन्टेक्ट कर ले, उनको आने की ज़रूरत नहीं है, वो अपनी डिमांड बताए कि हमको इस गाड़ी का चाहिए तो उनको मिलेगा। अगर किसी ने भी कोई भी किसी भी कंबाइन का स्पेयर पार्ट लेना हो तो हमारा मुंडे ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज है नाभा पासो रोड सहौली में, तो हमें इजीली कॉन्टेक्ट कर सकता है। तो अगर हमारे नंबर वीडियो में आपको नीचे मिल जाएंगे, वहाँ से भी आप हमें कॉन्टेक्ट कर सकते हो। ठीक है सर। और आप क्या मैसेज देना चाहेंगे किसान भाई को? मेरा मैसेज यही है कि आपको बढ़िया क्वालिटी का मटेरियल मिलेगा यहाँ पे, आपको निराशा नहीं होगी आकर। मैं चाहता हूँ कि आप यह हमारे पास विजिट करें, आपने चाहे सामान हमसे खरीदना है या नहीं, लेकिन आप हमारे पास जरूर आए, एक बार आके हमारी कंपनी को विजिट करें, अपना विचार जरूर दें। ठीक है सर। दोस्तों हमारे साथ हैं मुंडे ग्रुप के ईडी सर और सेल्स मैनेजर, उनसे बात करवाते हैं। सर सबसे पहले अपने और अपनी कंपनी के बारे में जानकारी देंगे सर? हाँ जी सर। सर मेरा नाम है परमिंदर सिंह मुंडे और मैं अपनी कंपनी का सेल्स मैनेजर हूँ। हमारे बहुत ही अच्छे वैल्यूएबल कस्टमर्स हैं जैसे कि दशमेश ग्रुप मलेरकोटला, KS ग्रुप मलेरकोटला, करतार कंबाइन भासों, लैंड फोर्स अमरगढ़, पुन्नी कंबाइन टोहाना, स्टैंडर्ड कंबाइन बरनाला में, और भी ऐसे बहुत कस्टमर्स हैं जिनसे हमारी बहुत ही अच्छी डीलिंग है।